तब भोले बाबा ने सोचा एक उपाय करते हैं, जो ब्रह्मांड की सात परिक्रमा करके पहले आ जाएंगे उसका विवाह पहले। दोनों को बुलाया, बोले पुत्र हमने आपके विवाह की सोची है, पहले किसका विवाह करें? तो दोनों बोल उठे कार्तिक और गणेश जी, पहले हमारा करो। उन्होंने कहा जो पहले ब्रह्मांड की सात परिक्रमा करके आएंगे उसका विवाह पहले होगा। इतना सुनते ही कार्तिक जी दुबले पतले थे, देखो जो दुबले पतले होते ना वो फुर्तीले होते हैं, वो तो सुनते ही निकल पड़े क्योंकि पहले विवाह होगा। लेकिन जो हट्टे कट्टे होते ना हमारी तरह, वो दिमागदार थे, वो एक नंबर के आलसी होते दिमागदार भी होते हैं पर आलसी ज्यादा होते। गलत तो नहीं कहा, जो ज्यादा हट्टे कट्टे थे वो बाद में करेंगे काम, आलसी होते हैं। अब कार्तिक जी तो निकल गए, ये बच्चों को बिठाओ। कार्तिकेय जी तो निकल गए और गणेश जी चुपचाप बैठे, भाई इनसे तो दौड़ा जाता ही नहीं। अब कहते हैं गणेश जी को ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है, देखिया। अब गणेश जी ने सोचा मैं चल तो सकता नहीं, दौड़ सकता नहीं, हाँ शास्त्रों का ज्ञान उन्हें बहुत था, उन्हें पता था कि माता पिता के चरणों में ब्रह्मांड होता है। उन्होंने माता पिता को प्रेम पूर्वक यथास्थान दिया और प्रेम से अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे और कहने लगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।